दोस्तों, अक्टूबर का मंथ आते ही जितने भी हमारे परमानेंट फ्लावर प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसमें दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कुछ फ्लावरिंग प्लांट नहीं है और उनकी कटिंग ग्रो करना चाहते हैं, फ्री में गार्डन में प्लांट को ऐड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कौन कौन से प्लांट अपने गार्डन में कटिंग से ऐड कर सकते हैं ये भी बताएंगे, प्लांट्स का नाम भी बताएंगे। तो वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। दोस्तों, जैसे ही हमारा अक्टूबर का मंथ शुरू होता है, इस टाइम में क्या होता है, लोग रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं, कटिंग लगाना या जो विंटर सीड होते हैं उनको ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो विंटर के सीड जो होते हैं दोस्तों, उनको ग्रो होने में भी टाइम लगता है, 15-20 दिन, और फ्लावरिंग आते आते कम से कम 1-2 महीने लग ही जाता है। लेकिन इन बीच में अगर हमें कुछ फ्लावर प्लांट से फूल लेने हैं तो उनको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और उनसे साल भर, बस जब विंटर आता है ना उस टाइम पर डोरमेंसी में रहते हैं, उसके बाद पूरे साल आपको अच्छे से फ्लावरिंग करने वाले पौधे मिल जाते हैं। तो उन्हीं को कटिंग से आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अक्टूबर के मंथ में। तो कौन कौन से पौधों की कटिंग ग्रो करनी है इस वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों, ये जो आप हिबिस्कस देख रहे हो, ये हमारा चाइनीज़ हिबिस्कस है और हम लोग उनको मिनिएचर हिबिस्कस भी बोलते हैं। छोटे छोटे कलर में खिलते हैं, हम देख सकते हैं। और ये मैं बता दूँ, चाहे जितनी भी ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, हमेशा हमारे गार्डन में इसी तरीके से खिले हुए नज़र आते हैं। और इनकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। मेच्योर स्टेम लीजिएगा, ना तो ज़्यादा पुरानी ना तो ज़्यादा नई, यानी कि कम से कम 2 या 3 महीने की पुरानी स्टेम होनी चाहिए। छोटी सी कटिंग लीजिए, सैंड सॉइल में इनको लगा दीजिएगा, आराम से ग्रो हो जाएंगे। शेड में दोस्तों रखिएगा, क्योंकि धूप में कटिंग हमारी ख़राब होने के चांस रहते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों हमारा सदाबहार है, जैसे कि इनका नाम सदाबहार है ना, तो सदा हमारे गार्डन में ये ब्लूम करते ही रहते हैं। छोटी सी कटिंग ले लीजिएगा, इजली ये लग जाते हैं। और दोस्तों जो हाइब्रिड वाले होते हैं, आपको उनको कई कलर में देखने को मिल सकते हैं। नर्सरी जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो देसी वाले होते हैं 2 ही कलर, पिंक और वाइट रहते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड होते हैं दोस्तों, वो तो शेडेड में भी रहते हैं, पेटल्स में रहते हैं, देखने में बहुत ही कलरफुल लगते हैं अगर इस सारे हाइब्रिड वाले विन का हम गार्डन में ऐड करते हैं। कटिंग से लग जाते हैं, तो मैंने दोस्तों कटिंग अभी तैयार करी है इनकी, क्योंकि जो हाइब्रिड वाले हैं उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा से लापरवाही करते हैं तो वो उन्हें फंगस लगना शुरू हो जाता है या फिर मर भी जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो हाइब्रिड वाले जो हमारे ये सदाबहार है, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी लगते हैं, लेकिन कटिंग से लगाना आसान है। आप ग्रो कर लीजिएगा सैंड सॉइल में, कटिंग लगा के सैड में रखेगा, इसलिए 15-20 दिन में इनमें रूट्स बनने लगती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा ये है खूबसूरत सा हमारा मैक्सिकन पिटूनिया, और ये हाइब्रिड वाले हैं, देसी वाले भी आते हैं, लेकिन हाइब्रिड वाले दोस्तों थोड़ा सा बंचेस में खिलते हैं, ड्राई वैरायटी में रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। देसी वाले होते हैं, उनकी पत्तियाँ लंबी लंबी हो जाती, कलर आपको एक ही मिलेगा, पर्पल कलर का। और इस तरीके के जब हाइब्रिड वाले जो होते हैं ना, आपको वाइट और पिंक पर्पल तीनों कलर मिल जाते हैं, ये एक साथ बंचेस में खिलते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर एक बार आ जाते गार्डन में सीड्स, इनको मल्टीप्लाई करके हम ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। कटिंग से फिलहाल ही मेरा लगा हुआ प्लांट है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से चल रहा है, फ्लावरिंग भी कर रहा है, तो आप लोग भी कटिंग से इनको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कनेर है हमारा, ये देसी वाले ओरिएंडर है, हाइब्रिड वाले भी आते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इनमें बता दूँ, 3 कलर आपको ऑरेंज, येलो और वाइट कलर में देखने को मिलेंगे। और ये दोस्तों शुभ प्लांट माना जाता है, इनके जो फूल होते हैं हमारे विष्णु भगवान ने या जो शंकर भगवान है उनको चढ़ाया जाता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। कटिंग से दोस्तों बहुत ही आसानी से लग जाता है, लेकिन सीड से जल्दी ग्रो होते हैं, अगर इनके कहीं सीड मिल जाते हैं तो लगा दीजिएगा। कटिंग से भी आप ट्राई करना, कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो ये जो अक्टूबर का मंथ है दोस्तों, इसमें आप इनकी कटिंग ज़रूर ग्रो करें, आपको 15-20 दिन में जड़ें जो होती हैं बहुत जल्दी इसमें बनने लगती हैं, और अगर कलियाँ आती तो फूल भी आने लगते हैं। अभी फ़िलहाल इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो, जो फ्लावर अभी हमारे गार्डन में रहते हैं दोस्तों उन्हीं की मैं वीडियो शेयर करती हूँ। बाकी परमानेंट प्लांट हमेशा आपके गार्डन में ये फ्लावरिंग करते ही रहेंगे, तो बिना देरी के झटपट कहीं भी दिखे तो कटिंग से ग्रो कर लीजिएगा, चाहे देसी वाले हो या फिर हाइब्रिड वाले, ये हमेशा ब्लूम करते रहते हैं। कलर जो बताया मैंने, वाइट, येलो और ऑरेंज कलर। यहाँ पे दोस्तों हमारा खूबसूरत सा मधुमालती प्लांट से, इनकी भी दोस्तों कटिंग ही लगती है,
और अभी ये जो टाइम है सितंबर का, इस टाइम पे दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग होती है वैसे परमानेंट वाले प्लांट्स हैं। और ये मेरे यहाँ पे, मैं जब से इनको लेकर आई हूँ नर्सरी से, किसी दिन भी ऐसा नहीं गया कि इसमें फूल ना खिलते हो। आप देख सकते हैं हर एक जो स्टेम्स निकली हुई सब में फूल आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं और इसमें भी कलियाँ दिखे बन रही है क्योंकि न्यू ग्रोथ नीचे से आ रही दोस्तों, सारे में कली और फूल खिल रहे हैं। तो इनकी भी कटिंग सितंबर के मंथ में लगाना बिल्कुल ना भूलें, आपको बार बार के फूल देंगे, आपका बिल्कुल भी गमला खाली नहीं रहने वाला है। तो इनको भी दोस्तों लंबे समय तक खिले भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि बाज खिले मुरझा गए, तो इन्हें भी आप लगाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों हमारा है ब्लीडिंग हार्ट, तो इनको भी दोस्तों कटिंग से इजली हम ग्रो कर सकते हैं और ये भी इस तरीके से बंचेस में खिलते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरीके से इसमें रेड कलर के फ्लावर्स पीस निकलते हैं और इस देखिए इधर भी अभी कलियाँ भी, मैं नीचे से दिखा दूँ छोटी सी स्टेम्स निकल रही, यहाँ भी इस तरीके से कली आ रही है, बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। इनके लिए दोस्तों बस नॉर्मल सॉइल लीजिएगा, जो गार्डन सॉइल होती है ना, सैंड सॉइल, नॉर्मल सॉइल, और जो होती है हमारे वर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट की होती है, वो सारी चीज़ें इनको मिला के लगाइए, कटिंग आपकी 100% ग्रो हो जाएगी। और जब आपकी कटिंग दोस्तों लग जाए तो छांव में रखिएगा, जब प्रॉपर मिट्टी या आपकी बिल्कुल सूखी नहीं रहनी चाहिए, हल्की सी नमी रहेगी तो कटिंग 100% ग्रो कर जाएगी। साथ साथ में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि कटिंग आपकी हिलने ना पाए, कटिंग ऐसे जगह रखिएगा उनको नमी मिले, प्लस दोस्तों ये खूबसूरत सा आप जो फ्लावर देख रहे हैं ये है चांदनी का प्लांट, ये मिनिएचर वाले चांदनी है और अभी हमारे गार्डन में ढेरों सारे इस तरीके से ब्लूम हो रहे हैं। अगर आप लोगों को इसी तरीके से फ्लावरिंग लेनी है अपने प्लांट में या इससे भी ज़्यादा आपको चांदनी प्लांट पे फ्लावरिंग लेनी है, तो इनको दोस्तों एक ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए ताकि आपकी जो गोरी चेर का प्लांट है और ये कटिंग से लगते हैं, इनको हम टिकोमा भी बोलते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये ना, इनको हम अगर बालकनी या फिर अपने गेट के पास लगा देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर ज़मीन में लगे रहते हैं इनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा जाती है, कटिंग के लगाने के बाद कुछ दोस्तों इतनी पतली सी स्टेम में चोर स्टेम अगर आप लेंगे तो इजली लग जाती है। तो बिना देरी के अगर आप लोग इनको ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने गार्डन में इनसे ढेरों सारे फूल भी ले सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, हमेशा खिलते रहते, ऐसा नहीं है बल्कि सीज़न आएगा तभी ये खिलेंगे। तो कटिंग से लगने वाले पौधे हैं फ्लावरिंग प्लांट, परमानेंट ओजी टू ग्रो है, तो आप लोग इन्हें जरूर अपने गार्डन में ऐड करें, साल भर फूल देते रहेंगे आपको आपके गार्डन में। और दोस्तों ये हमारा परेनियल वर्वीना है, बहुत अच्छे से खिल रहा है। मैं इनको लेकर आई थी गर्मी में, यानी कि मई में लेकर आई थी, जब से मैं लेकर आई हूँ कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन में फ्लावरिंग ना हुई हो। अभी देख सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत मतलब लॉन्ग हो गए हैं, बुशी वाले हैं। अगर आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट में इनको लगा सकते हैं, इस तरीके से पर्पल पिंक इस तरीके से इसमें फूल आते हैं, फिलहाल ये पर्पल ही हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। तो ये सर्दियों में देखती हूँ क्या इनका हाल होता है, इसे मैं सेव करने की कोशिश करूँगी ताकि मेरे गार्डन में ये बने रहें। तो फूल वाले पौधे वही अच्छे लगते हैं जिसमें हमेशा फूल आते रहते हैं। तो आप लोग भी अगर इनको ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग से इनकी दोस्तों लग जाती है आराम से, अगर लगाना चाहें तो ढेरों सारे पौधे इनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये तो हमारा अलमांडा है जो कि बुश वाला है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अभी अच्छे से देख सकते हैं फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, कलियां भी आ रही हैं और ये बिग साइज़ वाले हैं जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, पे हाथ में भी नहीं आ रहा है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनकी हाइट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जाती है और कटिंग से ईजिली लग जाती है। इनकी स्टेम अगर मैं बताऊँ जैसे मेच्योर स्टेम है तो यहाँ से इनकी कटिंग लेके आप सेंड में लगाते हैं ना तो 100% की कटिंग ग्रो हो जाती है। इनकी वो भी वैरायटी अलमंडा वाइन भी आती है, पुष्प भी आती थी, टॉल वाले हैं, ड्वार्फ वाले भी आते हैं जो कि वो भी अच्छे लगते हैं। इनके हाइट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जाती है, देख सकते कितने मतलब ऊंचाई तक ये आए हुए हैं। और अभी तो फिलहाल मैंने गमला नीचे रखा हुआ, स्टैंड पर रखते तो मैं खुद ही नहीं पहुँच पाती, इतने ऊँचे पे हैं। तो अगर आप लोगों को कटिंग से लगाना है तो लग सकते हैं कि बेलबट से इस तरीके से है, छूने पे बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। तो अगर आप सब कुछ देखे के प्लांट लगाने के शौकीन हैं तभी तो इनको कटिंग से इजली ग्रो ही कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये लेंटाना है और ये लेंटाना दोस्तों मैं नर्सरी से लेकर आई थी, अब जाके ये ब्लूम हो रहा है, कलियाँ आ रही हैं, ये शायद यही टाइम है इनके खिलने का। और ये मुझे 30 रुपये का मिला था,
पिंक और वाइट कलर है, थोड़ा सा मैच कर रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े से कटीले वाले प्लांट्स होते हैं, देसी हाइब्रिड दोनों आते हैं, लेकिन ये दोस्तों हाइब्रिड ही वाला है। देख सकते हैं कितने ही अच्छे से इसमें, मैं अगर बताऊँ इसमें पिंक येलो और वाइट कलर है, बहुत ही प्यारे लग रहे देखने में। तो दोस्तों इनकी भी कटिंग लग जाती है, अगर आप कटिंग ग्रो करना चाहें तभी कर सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है और इजी टू केयर भी, तो बिना देरी के दोस्तों इन्हें आप भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में। इसे ढेरों सारे फूल ले सकते हैं, जैसे कभी देख ही रहे हो इनके फ्लावर खिल रहे हैं। तो कोई भी टाइम नहीं होता है इनको ग्रो करने का, कभी भी नहीं ग्रो कर सकते हैं, फ्लावर तो पूरे साल ही देते रहते हैं। तो ये हमारे दोस्तों है लेंटाना, और देख सकते हैं पत्ते थोड़ी सी येलो हो रही, क्योंकि पानी में इनसे दिया नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, ये सोची नमी होगी। बट दोस्तों जिसमें ज़्यादा फूल आते रहे तो उसमें को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई है। तो ये हमारा लेंटाना है, इन्हें भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। और जो नेक्स्ट दोस्तों मेरा प्लांट है ये यूफोर्बिया मिली, इसकी ये थोड़ा सा मतलब बंचेस में आते हैं, येलो कलर का फ्लावर्स है, बहुत ही खूबसूरत लगते इस तरीके से देखिए आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इनको लगाना है कटिंग से तो ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास इनका रेड कलर भी है, बट अभी इसमें देख सकते हैं ग्रीन कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखिए ये ग्रीन ग्रीन खिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कटिंग से ग्रो करने की बात, तो ये प्लांट आपके लिए बेस्ट है। इधर भी मेरा है यूफोर्बिया मिली, अच्छे से चल रहे हैं, इधर भी नेचर वाले हैं, इसमें भी फ्लावर्स आते रहते, छोटे छोटे फूल खिलते हैं। लेकिन ये वाले देख सकते हैं कि जो ये और भी इसमें दोस्तों आते रहते हैं फूल, देखने में प्यारे, अभी भी कलियाँ आ रही हैं, इधर भी खिल रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। तो इनको इसलिए हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, अगर आप लोगों को करना है तो बेस्ट टाइम है इन्हें, अभी अक्टूबर के मंथ में ग्रो कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थे कुछ हमारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनको आप अक्टूबर के मंथ में कटिंग से लगा सकते हैं। और ये सारे फ्लावर प्लांट दोस्तों आपको पूरे साल गार्डन में फूल देते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।